नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से म्यूजिक गैंगवे में। जैसा कि ए स्टेट के सिलेबस में कुछ चेंजेज हुए हैं, जिसमें बिहार से संबंधित घराने, बिहार के लोकगीत, बिहार के गायक, इनके बारे में पूछा गया है दो इकाई में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बिहार के जो प्रमुख कलाकार रहे हैं, कुछ जो बेहद महत्वपूर्ण कलाकार रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो वीडियो होगा बिहार के कलाकारों से संबंधित है। ठीक है, मैंने इसमें शॉर्ट में अपने अनुसार जो मूल मूल चीजें हैं उसको रखा है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग विस्तृत भी बात कर सकते हैं और करेंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो लोकगीत है उनको पढ़ना है, जो लोक गायक हैं उनको पढ़ना है, बिहार के कौन कौन से घराने हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, बिहार संगीत का क्या योगदान रहा है इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले जानते हैं बिहार, बिहार के बारे में छोटा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमारा जो बिहार है पूरे देश नहीं पूरे विदेशों तक फैला हुआ है। बिहार के नागरिक जो हैं पूरे देश में हर राज्य में हैं, और हालांकि बिहार में बहुत बड़े बड़े ही महापुरुष, देशभक्त, क्रांतिकारी, अशोक, महावीर, चंद्रगुप्त, चाणक्य से लेकर कुंवर सिंह, खुदीराम बोस, तमाम लोग, कर्पूरी ठाकुर, भिखारी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, बहुत ही विद्वान, महान, देशभक्त, क्रांतिकारी लोग हुए हैं। और आज भी दुनिया के कोने कोने में बिहार से आज बहुत ज़्यादा आईएएस निकलते हैं, डीएम निकलते हैं, जबकि ऐसा लगता है कि बिहार हमारा जो है राज्य पिछड़ा हुआ है शैक्षिक व्यवस्था के रूप में। लेकिन फिर भी नहीं होता है कि कीचड़ में कमल खिलना। तो ऐसा लगता है कि बिहार पिछड़ा हुआ है, गरीब राज्य है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो उत्पत्ति होती है हीरो की तरह होती है। समझ रहे हैं, जो भी चीजें हैं कम ही चीजें हैं, लेकिन वो बहुत ही बहुमूल्य और सार्थक चीजें हैं। ठीक है, और बिहार का इतिहास रहा है कि बिहार जो राज्य है ये बंगाल से कटकर 1912 में 22 मार्च 1912 में बना। और बिहार के जो लोग हैं उन्हें गर्व होना चाहिए कि हम बिहारी हैं, और बिहार का सहयोग पूरे देश की स्वतंत्रता, पूरे देश के विकास, पूरे देश की कार्य प्रणाली और पूरे देश के जितने भी कृषि कार्य मजदूर वर्ग हैं, ये सारा जो देश चलता है बिहार के लोगों से ही अधिकतर चलता है। ठीक है, भले ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था हो, लेकिन फिर भी जहाँ बिहार का व्यक्ति ना हो वहाँ बिहार नहीं हो सकता। बिहार का वास्तविक अर्थ विचरण करना, बिहार बाहर उत्सव होता है। ठीक है, जहाँ पे मतलब बिहार का मतलब जैसे वनों में, उपवनों में विचरण करना, या फिर हम लोग क्या कहते हैं उसको, जैसे कोई पार्क हो। ठीक है, तो बिहार का बड़ा ही अच्छा अर्थ होता है। ठीक है ना, तो ये है बिहार। और इन्हीं बिहार में लोक गायन परंपरा रही, हमारे लोकगीत और शास्त्रीय घराने भी रहे। ठीक है, तो ये था एक बिहार का छोटा मोटा चर्चा। बिहार का जितना भी बखान किया जाए वो कम ही है, हालांकि बिहार में मजदूर वर्ग ज़्यादा हैं, बिहार में शैक्षिक व्यवस्था जो है थोड़ा सा लो स्तर का है, लेकिन उसी में जहाँ जहाँ पे बिहार में शैक्षिक व्यवस्था है, जहाँ उठा है, थोड़ा सा भी उठा है तो पूरा आकाश छू लिया है। ठीक है ना, तो आपको गर्व करना चाहिए कि आप बिहार के हैं। आपको ये भी रखना चाहिए कि बिहार ने बहुत ही महान पुरुषों, लेखक, कवियों, देशभक्तों को, तमाम लोगों को पैदा किया है बिहार ने। ठीक है, बिहार जो राज्य था ये देश के बहुत ही अच्छा राज्य था, लेकिन ये अंग्रेजों की वजह से ये थोड़ा सा पिछड़ा हो गया। ठीक है, तो चलिए इसी बिहार में जो लोकगीत हैं उनके प्रमुख कलाकार कौन कौन रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। अभी मैं इस वीडियो को बहुत लंबा लेकर नहीं चलूंगा, लेकिन कम समय में ही हम लोग चार पांच जो लोक गायक हैं, लोक
पारंपरिक गायक हैं जो बिहार के जो बेहद प्रसिद्ध हैं। और लोक गायक होता है क्या है, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में अपनी गांव अपने क्षेत्र की बोली भाषा में अपने जो कार्य प्रणाली होती है, जैसे ऋतु हो गए, मौसम गीत हो गए, पर्व गीत हो गए, विवाह गीत हो गए, जात गीत हो गए, इस तरह से जो गायन शैलियाँ होती है लोकगीत के अंतर्गत आती है। तो चलिए देख लेते हैं किन किन पे हम लोग को बातें करनी है। यहाँ देखिए बिहार के प्रमुख लोकगीत कलाकार, वैसे तो बहुत सारे लोकगीत कलाकार रहे हैं, लेकिन जब भी बिहार के लोकगीत के बारे में बात आती है तो सबसे पहले नाम आती है भिखारी ठाकुर की। ठीक है, तो भिखारी ठाकुर जो है इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं। ठीक है, और भोजपुरी का विकास करने में इनका बड़ा ही योगदान रहता है। भोजपुरी की जब भी बात आए या भोजपुरी लोकगीत की बात आए तो भिखारी ठाकुर का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। ठीक है, भिखारी ठाकुर। उसके बाद दूसरे नंबर पे है शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा जो इस समय की बहुत ही अच्छी लोक गायिका है, पद्मश्री है, और इनका भी ऋतु गीत, पर्व गीत, देवी गीत, छठ गीत, फिल्मी गीत, बहुत सारे गीत इनके प्रसिद्ध हुए हैं और बहुत ही अच्छी गायिका है। उनके बाद आते हैं महेंद्र मिश्र। महेंद्र मिश्र जो कि एक देशभक्त भी थे, और इनके बारे में कहा जाता है कि पूर्वी के जादूगर कहे जाते हैं। ठीक है, ये पूर्वी गायन के जादूगर कहे जाते थे। उसके साथ ही ये गजल, ठुमरी, भजन, कीर्तन और भी सारे गीत गाते थे, लेकिन विशेष रूप से इनको पूर्वी का जादूगर कहा जाता था। ये देखिए विंध्यवासिनी देवी, ठीक है, इनको बिहार कोकिला कहा गया। ठीक है, शारदा सिन्हा जो है इन्हीं के पद चिन्हों पे चलती हैं। यूं कह सकते हैं कि विंध्यवासिनी देवी को देखकर शारदा सिन्हा ने गाना सीखा और इनके आदर्शों पे ये चली। ठीक है, तो विंध्यवासिनी देवी जो थी ये बिहार कोकिला कही जाती हैं। ठीक है, इन्होंने भी बहुत सारे गीत गाए हैं। इन लोगों के बारे में हम लोग थोड़ा सा और विस्तृत चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, और एक है रामचतुर मलिक जी, शास्त्रीय घराने के, ये लोकगीत के नहीं है, ये शास्त्रीय हैं, और शास्त्रीय में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये प्रमुख रूप से थे। मुझे लगा कि इनको भी हमें प्रकाशित करना चाहिए। तो रामचतुर मलिक जो कि अमता दरभंगा के रहने वाले थे और शास्त्रीय संगीत में इनका बड़ा ही योगदान रहा, ध्रुपद गायक के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। तो इन लोगों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, क्योंकि हमें जाना है अभी स्कूल। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर के बारे में जानते हैं। भिखारी ठाकुर देखिए इनका जन्म 18 दिसंबर 1887 छपरा में हुआ था। ठीक है, अब देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी, 10 जुलाई 1971 में। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भाषा इनकी क्या रही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, मुख्य रूप से। ठीक है, वैसे तो गायक जो होते हैं हर भाषा में गाते हैं, लेकिन मुख्य जो भाषा इनकी भोजपुरी और मैथिली रही है। ठीक है, मुख्य भाषा भोजपुरी रही है। प्रमुख कृतियां क्या रही है, विदेशिया, बेटी बेचवा, बहरा बहार, गंगा स्नान, भाई विरोध, विधवा विलाप, और भी बहुत सारी कृतियां हैं, लेकिन मुख्य रचनाओं को मैंने केवल रखा है। इनको भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है और ये एक देशभक्त के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो भिखारी ठाकुर जो शब्द है ना, छोटा नहीं है, इनपे कई सारे रिसर्च हुए हैं भोजपुरी के क्षेत्र में, लोकगीत के क्षेत्र में, और इनके बारे में हम कह नहीं सकते कि ये क्या थे। भोजपुरी के जादूगर थे, लोकगीत के जादूगर थे। नाटक इनका प्रमुख जो कृति रही विदेशिया, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई, आज भी खेला जाता है ये विदेशिया, हमारे मित्र भी खेलते हैं, हम लोग भी विदेशिया करते हैं। ठीक है, तो ये जो भिखारी ठाकुर नाम है ना, इनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर को। भोजपुरी लोकगीत गायन बिहार विदेशिया के रचनाकार कौन है, या विदेशिया नाटक किससे संबंधित है, तो भिखारी ठाकुर से संबंधित है। भिखारी ठाकुर छपरा के रहने वाले थे, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ठीक है ना, क्या थे, एक अच्छे कलाकार थे, एक अच्छे नाटककार थे, एक अच्छे नृत्यकार थे, डांस भी करते थे, नाटक भी करते थे, लेखनी भी करते थे, एक्टिंग भी करते थे, एक्टर भी थे, और भोजपुरी के प्रति समर्पित, भोजपुरी का विकास, अपने भाषा का विकास करने के लिए हमेशा उत्सुक और
जागरूक रहते थे, साथ ही देशभक्त कार्यों में भी ये बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिए हैं। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी ये रहे हैं, उनमें लड़े हैं। ठीक है, तो हर तरह से भाषा को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर, अपने गायन शैली, नाटक, जो दहेज प्रथा है, सामाजिक कुरीतियां है, इनको लेकर ये साथ चलते थे। और भिखारी ठाकुर जो शब्द है, मैं कह नहीं सकता कि ये भोजपुरी लोकगीत अपनी भाषा, अपने देश प्रेम के लिए कितने विख्यात थे। इनके बारे में बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पूजनीय भिखारी ठाकुर जी हैं। भोजपुरी का और लोकगीत की जब बातें आती है, भिखारी ठाकुर का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। इनके बारे में आप लोग पढ़िएगा, इनकी किताब भी है बहुत सारी, तो इनका विस्तृत अध्ययन भी आप लोग कर लीजिएगा। मेरा मकसद ये है कि मूल मूल चीजों पे, मूल मूल बिंदुओं पे, जो एग्जाम में आता है, एग्जाम की दृष्टि से मैं चीजों को फोकस करता हूँ। उतना टाइम नहीं रहता हूँ कि भिखारी ठाकुर के जन्म के बारे में पूरा बताऊं दो दिनों तक या दो घंटे तक। ठीक है, हाँ, ये चीजें है कि क्या पूछा जा सकता है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या मूल टॉपिक है, ये चीजें मैं अपने वीडियो में बताता हूँ। अब भिखारी ठाकुर के बारे में और कुछ चीजें पूछ दी तो ये आपका काम है कि भिखारी ठाकुर के बारे में पूरा अध्ययन कर लीजिए, कहाँ से क्या पूछेगा। लेकिन जो मूल चीजें है, पूछने की संभावना यही है कि उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, उनकी भाषा क्या रही, उनको किसको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, उनकी प्रमुख कृतियाँ क्या रही, विदेशिया किनकी प्रमुख कृति है। ठीक है, बेटी बेचवा किसकी है, और भिखारी ठाकुर जो है देशभक्त से संबंधित हैं। तो ये भिखारी ठाकुर का एक छोटा सा परिचय है। ठीक है, छोटा है लेकिन मोटा है, यानी कि मूल रूप से जो निचोड़ है, ये भिखारी ठाकुर के बारे में है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है शारदा सिन्हा जी। ठीक है, शारदा सिन्हा जो इस समय का उनको कोकिला कहा जाता है भोजपुरी का। इससे पहले बिहार की कोकिला कौन थी, विंध्यवासिनी देवी, स्वर्गीय विंध्यवासिनी देवी, इस समय का ये स्वर कोकिला है। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1952 समस्तीपुर में हुआ। ठीक है, भाषा इनकी मूल रूप से मैथिली, भोजपुरी और मगही रही। ठीक है, और इनको पुरस्कार मिला, कौन कौन से पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार 1991 में, पद्म भूषण पुरस्कार 2018 में मिला। ठीक है, गीत इनका विवाह, छठ गीत, विरह गीत, बारहमासा, देवी गीत, पारंपरिक गीत, संस्कार गीत, ऋतु गीत, ठीक है, जात गीत, बहुत सारे गीत जो होते हैं, लोकगीत, बिहार के कौन कौन से लोकगीत हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन से गीत आते हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं लमसम 4-5 वीडियो बिहार संगीत से लेकर आऊंगा। ये जो वीडियो है आपके बिहार संगीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, स्टेट के जो इकाई बदले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा, और बिहार के संगीत के बारे में आप लोग जान जाएंगे। हालांकि आप बिहार में रहते हैं तो बिहार के आसपास के माहौल, गाने, गीत आप लोग समझते हैं। ठीक है, और आप लोग जानते होंगे कि बिहार में कौन कौन सी गायन शैली है। इसके बारे में अगर नहीं भी जानते हैं तो थोड़ा बहुत चर्चा जान लेंगे अपने प्रदेश के गानों के बारे में, अपने गायन शैली के बारे में। ठीक है, इन्होंने, शारदा सिन्हा ने फिल्मों में भी काम किया है, मैंने प्यार किया, हम आपके है कौन, गैंग्स ऑफ वासेपुर, इन्होंने इन फिल्मों में भी बहुत सारे गाने गाए हैं, और बहुत सारे इनके गीत रहे हैं, जैसे कहे तो से सजना, तोहरी सजनिया पग पग लिए जाए, तोहरी बलैया से, ये गीत है। उसके बाद से मुझे याद नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे गाने हैं इनके। छठ गीत जब आता है तो इनका ही बजता है, छठ गीत भी इनका बेहद प्रसिद्ध रहा, विवाह गीत प्रसिद्ध रहा। ठीक है, बारहमासा गीत भी गाती हैं, सोहर, झूमर, बहुत सारी गायन शैलियाँ शारदा सिन्हा ने किया है। और मतलब गीत जो लोक गीत पारंपरिक गीत है, और जो भी क्षेत्रीय गीत है, इनका जो गीत है पूरे देश नहीं, विदेशों तक, मॉरिशस तक इनका गीत बजता है और विदेशों तक इनका गीत सुनाई देता है। तो शारदा सिन्हा जो थी, भिखारी ठाकुर के बाद शारदा सिन्हा का बेहद ही लोकगीत में महत्व रहा है और ये बढ़ाई है। तो लोकगीत की बात जब आए तो भिखारी ठाकुर के बाद शारदा सिन्हा की भी बात आती है। चलिए, ये हो गया। अब इन लोगों पे चर्चा करेंगे तो कई दिनों तक चर्चा करते रह जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये है स्वर्गीय विंध्यवासिनी देवी। ठीक है, ये भी पद्मश्री से विभूषित है, यानी कि इनको पुरस्कार मिला है। इनको बिहार कोकिला कहा जाता है। इनको पढ़ लीजिएगा, विंध्यवासिनी देवी को। ठीक है,
इनका जन्म 1920 और मृत्यु 2006 में हुआ था। भाषा मैथिली और भोजपुरी रही। ठीक है, गीत इनके छठ गीत, विवाह गीत, गीत ऋतु पर्व संस्कार, बहुत सारे गीत इनके भी रहे। ठीक है, तो विंध्यवासिनी देवी को बिहार की कोकिला कहा जाता है। ठीक है ना, इन्होंने ही पहले पारंपरिक गीतों का शुरुआत की और बेहद ही प्रसिद्धि पाई इन्होंने लोकगीत बिहार में, इसलिए इनको बिहार कोकिला कहा गया। और इन्हीं के पद चिन्हों पे शारदा सिन्हा पीछे से चली और अपना ख्याति प्राप्त की। ठीक है, तो ये है स्वर्गीय विंध्यवासिनी देवी। अगला टॉपिक जो है बहुत ही आदर के साथ जो लोग भोजपुरी गाते हैं, पूर्वी चेता ठुमरी जो भी गाते हैं, इनका नाम लिया जाता है महेंद्र मिश्र। ठीक है, अंगूरी में डसले बिया नगिनिया ये पिया बैदा बुलादा, इस तरह का गाना। और साथ ही पूर्वी गाने के जादूगर कहे जाते हैं महेंद्र मिश्र। ठीक है, क्या है महेंद्र मिश्र जी का जन्म 16 मार्च 1885, मृत्यु 26 अक्टूबर 1946। भाषा इनकी प्रमुख रूप से भोजपुरी रही है। गीत पूर्वी के जादूगर कहे जाते हैं। भजन निर्गुण दादरा ठुमरी बीरा भक्ति बारह मासा। देखिए, कोई भी गायक होता है सभी गाने गा लेता है, सभी गाना गाता है, लेकिन प्रमुख रूप से किसी न किसी गायन शैली में वो पारंगत होता है, इसलिए उनको उस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि महेंद्र मिश्र पूर्वी के जादूगर है तो पूर्वी ही गाते थे, लेकिन पूर्वी इनके जैसा बेटर लिखने और गाने वाला बहुत कम ही लोग थे और इनमें इन्होंने प्रसिद्धि पा ली। और इसके बाद से भजन निर्गुण दादरा ठाकरा सब गाते हैं, गायक सभी गाते हैं, लेकिन किसी न किसी एक गायन शैली में उनका पकड़ ज्यादा हो जाता है, उसी नाम से वो लोग विख्यात हो जाते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि महेंद्र मिश्र केवल पूर्वी ही गाते थे और पूर्वी के ही जादूगर थे। ठीक है, ऐसा नहीं, कभी दिमाग में मत रखिएगा। ठीक है, तो पूर्वी के बाद ये भजन निर्गुण दादरा ठुमरी बीरा भक्ति पारमाशा सभी गीत गाते थे भाई, है ना। ठीक है, तो ये रहा, लेकिन विशेष रूप से पूर्वी की जहां बात आती है वहां पे महेंद्र मिश्र का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता था। स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, ये महेंद्र मिश्र जो थे स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में बढ़ चढ़ कर ये भाग लिए। ठीक है ना, और ये नकली नोट, जो नकली नोट थी उसको छाप कर ये क्रांतिकारी करवा दिए, क्रांति करवा दिए अंग्रेजों के साथ। ठीक है ना, मजदूर वर्गों में जो लोग शोषित वर्ग थे, जो जो देशभक्त के रूप में एक साथ जुटकर अंग्रेजों से लड़ते थे, उनको इन्होंने क्या किया कि नकली नोट छपवा कर और तमाम तरह के मार्केट में भेज दिया और मतलब उसी से बगावत कर दी। ठीक है, तो इनको ये भी कहा जाता है कि अंग्रेजों से नकली नोट छाप कर बगावत कर दिए। तो महेंद्र मिश्र पूर्वी के साथ ही भोजपुरी के अच्छे लोग गायक रहे, साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छे देशभक्त रहे, देशभक्त के रूप में काम किए, स्वतंत्रता की लड़ाई में काम किए। ठीक है, तो ये देशभक्त और पूर्वी भोजपुरी लोक गीत गायन के लिए बेहद ही प्रसिद्ध रहे हैं महेंद्र मिश्रा जी। ठीक है, तो ये महेंद्र मिश्र जी हैं, इनके बारे में आप लोगों को अध्ययन करना है अच्छे से। ठीक है, एक नाम आपको मिलेगा यहाँ पे, राम चतुर मलिक, ये जो कि शास्त्रीय गायक हैं, इनका लोकगीत में हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन इनके बारे में हमेशा पूछता रहता है, इसलिए मैं इनको यहाँ पे प्रकाशित कर रहा हूं। ठीक है, राम चतुर मलिक, इनका जन्म 5 अक्टूबर 1902 को अमता दरभंगा में हुआ, दरभंगा जिला के अमता गांव में हुआ था। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि राम चतुर मलिक किस घराने से संबंधित थे, राम चतुर मलिक का जन्म कहाँ हुआ था, या अमता का संबंध किस गायक से है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं, और उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई, ये भी पूछ सकता है। राम चतुर मलिक किस गायन के लिए प्रसिद्ध थे, या ध्रुपद गायक इनमें से कौन है, उसमें राम चतुर मलिक का भी नाम दे देगा और ख्याल के गायक होंगे। ठीक है, घराना इनका क्या रहा, ये भी पूछ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, राम चतुर मलिक जो शास्त्रीय संगीत के बहुत ही अच्छे गायक थे और इन्होंने पूरे देश के साथ विदेश तक भी अपनी गायन शैली का डंका बजवाया। साथ ही अब ये देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म 5 अक्टूबर 1902 को अमता दरभंगा में हुआ, मृत्यु 11 जनवरी 1990 को हुआ। गायक ये ध्रुपद और ख्याल के रहे, साथ ही मुख्य रूप से ध्रुपद के रहे। ठीक है,
और ये मैंने पहले ही बताया है कि ख्याल, ठुमरी, गजल, भजल, कीर्तन, रामायण जो भी है वो सब गाते थे, लेकिन मुख्य रूप से ध्रुपद के ये माने जाते हैं। इनका घराना दरभंगा है और पुरस्कार भी इन्होंने पद्मश्री 1970 में, उसके बाद से इन्होंने तानसेन, संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, और भी बहुत सारे पुरस्कार पाए हैं। ठीक है, तो ये 60 में इन सभी लोगों का जीवनी रहा, इनका सहयोग रहा, इनकी गायन शैली, इनकी भाषा रही, जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इनके बारे में अध्ययन करना है तो आप लोग एक एक गूगल पे सर्च करके, या किताब है तो किताबों से इनकी जीवनी पढ़कर, इनके विशेष योगदान, इनकी भाषा शैली, इनकी गायन शैली पे आप लोग प्रकाश डालकर उसके बारे में अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। फिलहाल मेरा यही रहता है कि कम समय में और मुख्य चीजों को मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि परीक्षा का भी समय बहुत कम है, और ये मेरी शैली रही है कि कम से कम समय में कम से कम चीजों को, पूरे किताब को पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि उस किताब का निचोड़ क्या है, पूरे कहानी को देखने से अच्छा है कि उस कहानी का पूरा निचोड़ क्या है, एक ही लाइन में उसका निचोड़ रहता है। ठीक है, तो उसको समझ लीजिए, एक अच्छे जो छात्र है उनका यही होना चाहिए, मैं तो यही करता हूं भाई। ठीक है, पूरी किताब पढ़ना, जो भी मैंने आज तक पढ़ाई की, मेरी मानसिकता, मेरी सोच यही रहती है कि उतना पढ़ने से, रटने से अच्छा है कि क्या है उसको समझिए। देखिए, रटने की कोशिश मत कीजिए और उसको पढ़ने, रटने, याद करने की कोशिश मत कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ लिए तो फिर उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जिंदगी भर याद रहेगी, रटने की जरूरत नहीं है, कई दिनों तक कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उस बिंदु को खोजिए कि ये किताब क्या कह रही है, इनकी जीवनी क्या कह रही है, इनका प्रमुख कार्य क्या रहा है, ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, इन सारी बिंदुओं को आप लोग सोचने समझने की क्षमता बनाइए, उस पॉइंट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपके 5 लोक गायक जो प्रसिद्ध रहे हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी। ठीक है, इनके बारे में आप लोग विस्तृत अध्ययन भी कर लीजिएगा, गूगल से कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि मैं आप लोग को विस्तृत अध्ययन करवाऊं, और हालांकि बीपीएससी 3 और एस्टेट के लिए भी टाइम नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे तो इन पे बात करेंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो में नृत्य से संबंधित, बिहार के नृत्य से संबंधित, या बिहार के जो लोक गीत है कौन कौन से, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर शास्त्रीय घराने के बारे में, तो मैं बिहार के बारे में 3-4 वीडियो लेकर आऊंगा, जो कि नए सिलेबस में कुछ चीजें जुड़ी हुई है उसके बारे में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग के साथ ही और आप लोगों के लिए ही हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।